गए हैं? थक गए। हम तो नहीं थके हैं, बुद्धू थक गए। आवाज नहीं आ रही। जय माता जी। हाँ गुड। कसार देवी में मैग्नेटिक पावर सच में है, फील होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो आज मैं आई हूँ कसार देवी मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है और लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है ये अल्मोड़ा से। तो इस क्षेत्र की एक ख़ास बात यही है कि यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और उसके अलावा यह एक विशेष तरीके के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। घर से तो आया था कि मैं पैदल जाऊंगा, इतना तो हम स्कूटी में आ गए बेटा, वरना पूरा ही किस में आना पड़ता पैदल, फिर कैसे जाता। अच्छा हुआ लास्ट टाइम पे स्कूटी ले आए हम, वरना रुद्दू की हालत खराब। बोल जय माता दी, बोल जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही। जय माता दी। हाँ गुड, देखो अब एनर्जी आ जाएगी। एक रास्ता यहाँ से है जहाँ स्कूटी इधर तक आती है। रुद्दू देख, हम ये वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है? ये पीछे वाला रास्ता है ना, हम आगे से जाएंगे, पीछे से क्यों जाएंगे। तो ये जो मंदिर है ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है इस तरीके से। मम्मी लोग आ गए। थक गए। हम तो नहीं थके हैं, बुद्धू थक गए। बस अब पहुंच गए, अब थोड़ा सा ही रह गए। सीढ़ियों के अगल बगल में ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं जो अभी तक बंद है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे यहाँ पे। तो आपको मंदिर के लिए कुछ सामान लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं आराम से, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ बच के रहना बंदरों से, हमारा फ्रेंड आ गया बोल के तुझे गले पे लपेट जाएंगे तेरे। अरे दिल्ली से हमारा फ्रेंड है। अभी तो आज आया, देख सपने में देखा था ना। मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं। मैं सपने में देख लेता।
देखा, सपने में देखी है। कभी रुद्दू आप आए हाँ। दर्शन के लिए तो आते ही हैं, उसके अलावा यहाँ बहुत देर तक बैठ के ऐसे मेडिटेशन करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। खाली है, अभी कोई आया नहीं है, एक दो लोग दिख रहे हैं। तो हम लोग सही टाइम पे पहुँच चुके हैं। मम्मी बंदर आ रहे, इधर से आके। तो यहाँ अभी मंदिर बंद है, पंडित जी आए नहीं है, तो हम लोग ऊपर शिव मंदिर में जाके आएंगे। तब तक वहाँ पूजा करते हैं क्योंकि वहाँ खुला रहता है, शायद हमारे आने तक पंडित जी आ जाए। ले यहाँ पे मंदिर का सामान मिलता है, खाने का कुछ नहीं है। चलो बाय बाय।
आज के व्लॉग में हमने अपने नए सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं जो कि दिल्ली से घूमने आए हुए हैं यहाँ पे, और थोड़ा कुछ उनसे बातचीत हुई और उन्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है उनसे पूछते हैं। आप बताइए यहाँ पे आपको कैसा, यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आप बताओ? दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना है। हाँ, बहुत अच्छा है, न गर्मी है न सर्दी। जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। जो यहाँ आता है उसे कभी जाने का मन नहीं करता। हम लोग बड़ी मुश्किल, कसार देवी में मैग्नेटिक पावर सच में है, फील होता है। तो दोस्तों सुबह की लगभग 8 बजे हुए हैं और हम लोग पूजा करके वापस आ चुके हैं। हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो अच्छे से पूजा हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, पता ही नहीं चला कि हम इस चढ़ाई में ऊपर जाके हमारी अच्छे से पूजा हो गई। और 8 बजे हम लगभग 8:30-9 बजे तक घर भी पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए हमने सुबह का जल्दी का प्लान बनाया था। तो हम निकलते हैं घर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।